Hello everyone, welcome back to our channel. Today I have come with part 2 of the series Demand and Law of Demand. My name is Siddharth Uttar and today's video is basically about the factor or rather determinants of demand. So without any further delay, let's begin with the video. So first point, the factors affecting demand. The first point is the price of the commodity. ये नाम से, ये हेडिंग से, नाम से आपको लग रहा होगा कि कॉमोडिटी का मतलब होता है गुड्स. तो प्राइस ऑफ द गुड्स के बारे में यहाँ पे बताया गया. तो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इम्प्लाइज दैट लोअर द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी द लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द हायर द प्राइस द लेसर इज द क्वांटिटी परचेज. तो इस लाइन का मतलब ये है कि प्राइस ऑफ द गुड्स यानी कॉमोडिटीज को वो उसका वो मतलब है कि अगर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी यानी गुड्स का प्राइस अगर कम जाता है तो उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा. अगर वही गुड्स उसका प्राइस बढ़ जाता है तो हम लोग लेस परचेज करेंगे यानी उसका डिमांड फॉल कर जाएगा. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, वी मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड आवर मदर और सिस्टर मदर और फादर परचेजिंग मोर क्वांटिटीज ऑफ एप्पल्स एज द प्राइस ऑफ द एप्पल्स फॉल्स. दिस टाइप ऑफ डिमांड इज नोन एज प्राइस डिमांड. यानी हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे मम्मी पापा मोर एप्पल्स परचेस करते, ज़्यादा एप्पल्स परचेस करते हैं क्योंकि एप्पल्स का प्राइस कम जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस डिमांड. अब समझ लीजिए, आज प्राइस फॉल थी एप्पल्स की, तो आपने ज्यादा एप्पल्स खरीदा, लेकिन कल एप्पल्स का प्राइस बढ़ गया और आपने एप्पल्स का क्वांटिटीज कम कर दिया, तो उसको बोलते हैं प्राइस डिमांड. कि प्राइस बढ़ भी रहा है कम भी रहा है एक टाइम में, तो अप एंड डाउन जिसको बोलते हैं वो प्राइस डिमांड बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इनकम ऑफ द कंज्यूमर ये बोलता है कि इज द बेसिक डिटरमिनेंट्स ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट एज इट डिटरमाइन परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर. देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड हिज डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इनएक्सपेंसिव गुड्स. सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप दिखा रहे हैं बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड हिज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे तीन पॉइंट्स है, बेसिकली तीन टाइप है, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और इनएक्सपेंसिव गुड्स. तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. आप मेरे को लगता है आप लोग को समझ आ गया होगा पहला स्लाइड, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते. पहले आता है नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिक्रीज विद फॉल इन इनकम. तो इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जब डिमांड बढ़ जाता है, अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर यानी इनकम जो है पीपल लोग का वो बढ़ जाता है, कंज्यूमर लोग का अगर बढ़ जाता है तो डिमांड उसका बढ़ जाता है, और अगर इनकम कम जाता है कंज्यूमर का तो डिमांड कम जाता है. तो नॉर्मल गुड्स का मतलब ये है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपका इनकम, एक कंज्यूमर का इनकम 10,000 है, तो उसका डिमांड बढ़ेगा कि कमेगा? एक तरह से बढ़ेगा उसके लिए. तो
अगर उसका फ्यूचर में और इनकम बढ़ेगा तो वो अपना डिमांड बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा। अगर उसका इनकम कम जाएगा, जैसे 10,000 था, अब उसको 900 500 मिल रहा है, तो एक तरह से उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कमते जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, जो कि एनजी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है इन्फीरियर गुड्स यानी आईजी। इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड इंक्रीज विथ फॉल इन इनकम। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होता है जहाँ पे डिमांड गिर जाता है, जब इनकम क्या होता है, बढ़ जाता है कंज्यूमर का, और डिमांड हमेशा बढ़ जाता है जब इनकम कम जाता है कंज्यूमर का। यानी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप पहले रिफाइन तेल खरीदते थे, रिफाइन ऑयल, जो कि उसका कॉस्ट कहीं ना कहीं 200 रुपया समथिंग, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, और आपका इनकम बढ़ गया, तो आपने क्या किया, डिमांड अपना कम कर लिया कि आपको लगा कि मेरे को बचाना चाहिए इस मनी को और बैंक में जमा करना चाहिए, तो आप बचाने लगे। अब अगर आपका प्राइस, अगर आपका इनकम गिर जाता है, तो आपका क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका इनकम गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है। मतलब एक तरह से समझ लीजिए, आपका इनकम स्टेबल है, 1 लाख है आपका इनकम पर महीना, तो आप सोचे कि मेरा तो इनकम स्टेबल है, मेरा ना गिरेगा ना ज्यादा होगा, तो आपने क्या किया, डिमांड बढ़ाते गया। और अगर आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है, यानी आप नॉट यू आर नॉट श्योर दैट इनकम विल बी स्टेबल और नॉट, इट कैन बी अप ऑल्सो, इट कैन बी डाउन ऑल्सो, सो यू कैन डिमांड को हमेशा कम ही रखेंगे कि फ्यूचर में क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता, तो उसको बोलते हैं इंफीरियर गुड्स, जो कि उसका फुल फॉर्म है आईजी का। नेक्स्ट पॉइंट है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी यानी आईएन। इन केस ऑफ एक्सपेंसिव नेसेसिटी ऑफ लाइफ सच एज सॉल्ट एंड मैच बॉक्स, द क्वांटिटी परचेज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम अप टू अ सर्टेन लेवल एंड देयर आफ्टर इट रिमेन कॉन्स्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। समझ लीजिए कि आपका इनकम बढ़ रहा है, तो आप जैसे सॉल्ट या मैच बॉक्स, मैंने एग्जांपल लिया, इन लोग के प्राइस क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जैसे सॉल्ट का प्राइस, टाटा सॉल्ट का प्राइस 22 रुपया होता है, 22 रुपीज, वही मैच बॉक्स का प्राइस 3 रुपया या 2 रुपया होता है, तो वो सब का प्राइस गिरता नहीं या तो बढ़ता है, तो वो सब के प्राइस सेम रहता है, तो और आपके इनकम समझ लीजिए बढ़ता है डे बाय डे, तो आप क्या परचेजिंग पावर, यानी आप उसको ज्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे। ऑफ कोर्स आप एक कांस्टेंट में खरीदेंगे, उसके बाद आप नहीं खरीद पाएंगे, मतलब एक तरह से आप कांस्टेंट में रहेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि आप कम में खरीदे या ज्यादा में खरीदे, क्योंकि उसका प्राइस फिक्स्ड है, तो उसको बोलते हैं इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी। अब इसके बाद एक ग्राफ है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आता ही आता है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि व्हाट इज नॉर्मल गुड्स, व्हाट इज इंफीरियर गुड्स, व्हाट इज इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी, एंड गिव ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो। इट कैन आस्क फॉर मैक्सिमम 5 6 मार्क्स, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस पॉइंट्स एंड दिस ग्राफ ऑल्सो। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ दिया, ये होता है इनकम का, जो वाई एक्सिस है वो इनकम को डिनोट करता है और जो एक्स एक्सिस है वो क्वांटिटी को डिनोट करता है। तो हम लोग ने पढ़ा था कि
आगे नॉर्मल गुड्स। तो पहले देखते हैं नॉर्मल गुड्स का लाइन। हम लोग ने क्या पढ़ा था, नॉर्मल गुड्स क्या होता है कि अगर आपका डिमांड इंक्रीज हो रहा है, यानी इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिक्रीज विथ फॉल इन इनकम्स, तो ये क्वांटिटी है Q1 Q2। तो Q1 में इतना का प्राइस था Y1, ठीक है। अब आपका जब तक इंक्रीज होते गया आपका इनकम, आपने डिमांड को क्या किया, इंक्रीज करते गया करते गया करते गया। अगर आपका इनकम फॉल होता ना, तो डिक्रीज इन डिमांड हो जाता, तो आपका कहीं ना कहीं कर्व ऐसे आ जाता, एक तरह से ऐसा कर्व, जो कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है, आप क्वांटिटीज ज़्यादा खरीदते जा रहे हैं खरीदते जा रहे हैं, एट द प्राइस, चाहे उसका प्राइस बढ़े या कमे, आप डिमांड को बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे, क्वांटिटीज आप ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। दूसरा है इंफीरियर गुड्स, जो कि डिनोट करता है कि डिमांड फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड इंक्रीज विथ फॉल इन इनकम। यानी आप समझिए कि एक जो क्वांटिटी वन था, तो एक क्वांटिटी वन था, तो आपका प्राइस था इतना Y1 पे। जब आप देखे कि उसी क्वांटिटी का प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो आपने क्या किया, क्वांटिटी को कम करते गए करते गए करते गए, तो प्राइस बढ़ रहा था, डिमांड कम होते जा रहा था आपका, तो उसको बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। तो ये सिंपली यू यू कर्व होगा, यू कर्व, और ये होगा पूरा स्ट्रेट लाइन, जिसको पॉजिटिव लाइन बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी, जो कि IN को डिनोट करता है। आप समझ लीजिए आपका प्राइस फिक्स्ड है उस गुड्स का, और आपका क्वांटिटी भी फिक्स्ड हो जाए एट अ टाइम, एट द पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगा कि आपका जो प्राइस है वो मतलब फिक्स्ड है उस कॉमोडिटी का, और आप जो जितने कॉमोडिटीज खरीद रहे हैं, क्वांटिटी टू मतलब दो क्वांटिटी खरीद रहे हैं, और उसका प्राइस भी फिक्स्ड है, तो एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो IN का ग्राफ स्ट्रेट बनेगा, NG का ग्राफ पॉजिटिव लाइन में जाएगा, और IG का कर्व थोड़ा यू का कर्व बनेगा। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है कि डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी, यानी डिमांड फॉर अ गुड्स इज अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इज एज वेल। इफ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन पर्टिकुलर गुड्स अफेक्ट्स द डिमांड फॉर अनदर गुड्स, सो वी से दैट दिस गुड्स आर रिलेटेड। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। तो डिमांड जो होता है गुड्स का डिमांड, वो इफेक्ट करता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से, यानी प्राइस से वो इफेक्ट करता है वो डिमांड। तो इफ अ चेंज इन द प्राइस, अगर प्राइस में कुछ चेंज आता है, तो गुड्स में भी डिमांड में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं दिस गुड्स आर रिलेटेड। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आइए जानते हैं कि वॉट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड वॉट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द सेम टाइप ऑफ नीड एंड हेंस कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ वन अनदर टू सेटिस्फाई अ गिवेन वॉन्ट। यानी इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो
वो गुड्स होते हैं जो कि सेटिस्फाई कराते हैं हम लोग को, जो कि सेम टाइप है उस गुड, मतलब वो कॉमोडिटी सेम टाइप है, और बस एक दूसरे का कंपनी अलग है या फ्लेवर थोड़ा सा अलग है. सो टू सेटिस्फाई अ गिवेन वॉन्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने टी एंड कॉफी लिया, कोक एंड पेप्सी लिया, आर एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. तो समझ लीजिए कि टी और कॉफी का प्राइस एक टाइम पे फिक्स था. अचानक क्या हुआ, कॉफी का प्राइस बढ़ गया, तो डिमांड किसका बढ़ेगा? ऑफ कोर्स टी का बढ़ेगा, क्योंकि कॉफी का प्राइस बढ़ चुका है. तो लोग क्या कॉफी पे जाएंगे कि टी पे जाएंगे? ऑफ कोर्स टी पे जाएंगे, क्योंकि उनको पैसा बचाना है. तो टी का क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, और यहाँ पे कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि कॉफी का प्राइस बढ़ गया. और यहाँ पे टी का प्राइस क्या हो गया, कांस्टेंट था वो, ना कि बढ़ा ना ही कमा. ठीक है, अब समझ लीजिए ठीक उल्टा, टी का प्राइस बढ़ चुका, तो टी का डिमांड क्या होगा, कम जाएगा, और कॉफी का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉफी का प्राइस कांस्टेंट था और टी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया. तो लोग क्या हो गए, कॉफी को ज्यादा परचेस करने लगे, ना ही टी को. तो ये सब था. कोक एंड पेप्सी भी आप एग्जांपल समझ ही गए होंगे. यहाँ पे जैसे ग्राफ है, ये ग्राफ आपको बनाना पड़ता है, एग्जाम में पूछता भी है कि आप सब्स्टिट्यूट गुड्स का डेफिनेशन दो और उसका ग्राफ बनाओ. तो आप वाई एक्सिस बनाओगे जो कि प्राइस रहेगा, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज, और सेकेंड में रहेगा डिमांड. तो आप समझ लीजिए कि एक्स पे आप कोई भी नाम रख दीजिए, एक्स पे आप टी रख दीजिए या कॉफी रख दीजिए एक्स का नाम, तो और वाई का नाम टी रख दीजिए या कॉफी रख दीजिए, आपका चॉइस है. आप क्या किए, प्राइस जब कॉफी का यहाँ था, तो डिमांड था टी का इतना. जब प्राइस ऑफ द कॉफी बढ़ा, जब कॉफी का प्राइस बढ़ा, तो डिमांड ऑफ द टी का क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि ये लाइन डिमांड को नोटेशन देता है. तो ये जब बढ़ता है तब डिमांड भी बढ़ता है, और ये जब बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है. तो ये लाइन ऐसे जा रही थी, तो डिमांड फॉर टी जो थी वो बढ़ गई. सो इट इज अ पॉजिटिव लाइन एंड इट इज दस हॉरिजॉन्टल लाइन. सो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड, और उसका ग्राफ भी समझ आ चुका है. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर इन द सेंस दैट दे आर यूज जॉइंटली और कंज्यूम टूगेदर टू सेटिस्फाई अ गिवेन वॉन्ट्स, लाइक कार एंड पेट्रोल, गैस एंड गैस स्टोव. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उस गुड्स को बोलते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट है. मैंने लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में समझाया था कि कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड दोनों सेम रहते हैं, क्योंकि जॉइंट डिमांड में क्या होता है कि आपको जो, जैसे आपने कार बाई की, तो कार आपने तो बाय कर लिया, उसको चलाने के लिए तो आपको पेट्रोल भी लगेगा. तो पेट्रोल और कार दोनों जॉइंट डिमांड हुए, क्योंकि वो दोनों नहीं रहेंगे तो वो नो यूज ऑफ दैट गुड्स. सो दैट्स वाई दे आर नोन एज द जॉइंट डिमांड. और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कहीं ना कहीं सेम है, पूरी तरीके से सेम है जॉइंट डिमांड से, कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उस गुड्स को बोलते हैं जो जॉइंटली डिमांडेड है कार और पेट्रोल के साथ, या गैस एंड गैस स्टोव, पेन एंड रिफिल, आप जो भी बोल सकते हैं, जो कि जॉइंट डिमांड से बिलोंग करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को भी डिमांड करते. तो यहाँ पे जैसे ग्राफ है कि
असल में होता ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, अगर कार की प्राइस बढ़ जाती है इन फ्यूचर तो पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा, कम जाएगा, क्योंकि कार का प्राइस अगर बढ़ता है तो लोग कार को कब परचेस करेंगे, कार का तो डिमांड कमेगा ही क्योंकि कार का प्राइस बढ़ रहा है तो कार का डिमांड तो बढ़ेगा। और पेट्रोल क्या है, एक जॉइंट है कार का, तो पेट्रोल का डिमांड भी कम जाएगा क्योंकि अगर पेट्रोल का प्राइस भी नहीं बढ़ा तब भी पेट्रोल का डिमांड बढ़ कम जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, यानी एक अगर बढ़ गया प्राइस तो दूसरा को नुकसान होगा, एक को नुकसान तो होगा ही दूसरा को भी नुकसान होगा डिमांड को। तो जैसे मैंने यहाँ ग्राफ बनाया, तो वाई एक्सिस प्राइस को डिनोट करता है और एक्स एक्सिस डिमांड को डिनोट करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लिख लीजिए पेट्रोल, ठीक है, और यहाँ पे आप कार को डिनोट कर लीजिए। तो जब आपका पेट्रोल का प्राइस इतना था तो आप कितना गुड्स खरीदते थे, कार आप बहुत खरीदते थे। अगर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर फिक्स था उस समय, तब कार का परचेजिंग इतना था, बढ़ता था, लेकिन अचानक प्राइस ऑफ द पेट्रोल बढ़ चुका तो कार का डिमांड कम गया, क्वांटिटी 2 से क्वांटिटी 1 में आ गया, तो यानी दोनों को नुकसान हुआ, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, एक तरह से नेगेटिव स्लोप हो रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी एक को नुकसान होगा यानी दूसरा को भी नुकसान होगा, एक को फायदा होगा तो दूसरा को भी फायदा होगा, सो दैट्स वाई इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। चौथा पॉइंट है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि व्हेन द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग अ हायर प्राइस इन द फ्यूचर एट अ करेंट पीरियड डिमांड विल बी हायर। तो जैसे कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड कुछ खरीदा, गोल्ड ज्वेलरीज खरीदा, या गोल्ड कुछ भी, आप गोल्ड सिल्वर ब्रोंज या डायमंड का कुछ भी खरीदते हैं, तो आप क्यों खरीदते हैं, क्योंकि कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि इसका ये गोल्ड का प्राइस फ्यूचर में बहुत बढ़ेगा, तो डिमांड क्या हो जाता है उस समय, बढ़ जाता है कि लोग सो करेंट पीरियड ऑफ टाइम डिमांड विल बी करेंट पीरियड ऑफ टाइम डिमांड विल बी हायर करेंट पीरियड डिमांड विल बी हायर एंड फिफ्थ हायर एंड फिफ्थ पॉइंट इज एंड फिफ्थ पॉइंट इज कंज्यूमर क्रेडिट एंड फिफ्थ पॉइंट इज कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज पॉइंट इज इफ कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज इफ कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज इफ कंज्यूमर आर एबिट फैसिलिटीज इफ कंज्यूमर आर एबिट फैसिलिटीज इफ कंज्यूमर आर एबिट फैसिलिटीज इफ कंज्यूमर आर एबल टू गेट क्रेडिट इफ कंज्यूमर आर एबल टू गेट क्रेडिट फैसिलिटी एज दे आर एबल टू बोरो फ्रॉम द बैंक दे वुड बी टेम्पटेड टू परचेज सर्टेन गुड्स दे कुड नॉट हैव परचेस्ड अदरवाइज। कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी भी आजकल मिलती है, जैसे अभी कुछ साल पहले ये क्रेड ऐप निकला है, क्रेड बैंक आया, जो कि क्रेडिट पे सब फैसिलिटी देते हैं कि आप क्रेडिट पे यूज कर लो, बाद में आप पैसा दे देना। तो कंज्यूमर क्या होता है, जहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी मिलता है, जैसे बैंक से बोरो करना, तो गुड्स क्या होता है ना, परचेस करते भी है या नहीं करते उस पे डिपेंड करता है कंज्यूमर पे। तो उस समय क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है कि अगर आप बोरो किए मनी तो बैंक से और आप उस डेट से यूज कर रहे हैं, मतलब आप क्रेडिट पे कुछ भी ले रहे हैं, तो एक तरह से उस गुड्स का डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि आपने
आप बोरो क्यों करने जाएंगे जब आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है या इसका कमोडिटी अच्छा है, तो तभी लोग ज़्यादा सोचते हैं कि उसको बाय करें। तो इसीलिए कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, यही पॉइंट का मतलब है कि कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी भी मिल जाती है कि अगर वो क्रेडिट पे ले रहे हैं तो यानी उसका डिमांड बढ़ रहा है। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। सो दैट इज एंड द पार्ट ऑफ टू वीडियोस। थैंक यू। एंड सो वी हैव एंडेड अप विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉपिक। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। पार्ट थ्री अप्रोचिंग सून इन माई चैनल। देयर फोर आई विल टेक योर लीव एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।